हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, ऐसे इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। ठीक है दोस्तों, मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए और बी, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं मुझे क्या क्या दे रखा है। मुझे प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है, मुझे फाइंड आउट करना है ए और बी। अब ये और क्या है? और, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे भी और आ जाए, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन मैंने साइड में लिख रखा है ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी। मैंने जब आपको सेट चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको उसमें यूनियन बताया था क्या होता है। एक बार मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए कोई मेरे पास सेट है और मेरे पास बी कोई सेट है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछूँगी कि यूनियन निकाल लो। यूनियन कैसे निकालते हैं? जो जो ए और बी में टोटल एलिमेंट है सब लिख दो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और चीज़ होती है, जैसे और है ऐसी एंड होता है। मान लीजिए यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। जैसे और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन समझा देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए ए सेट है और बी सेट ही है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में हो, यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो देख लेते हैं क्या होती है। वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो इवेंट हैं, इवेंट ए और बी, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगे? अगर मान लीजिए एक इवेंट ये ए था और एक इवेंट ये बी था, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या नहीं है? मैंने आपको समझाया था जब मैंने बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी कराया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाँ जी, ये ए और बी मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने हैं। अगर इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए? 5, यानी कि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन ना हो, तब तो ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला, मैंने क्या है? 3 आया, यानी कि ए और बी इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे बी सेट मेरा 4-5 होता, अब इनका इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई भी कॉमन ही एलिमेंट है तो इसका मतलब ए और बी क्या मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ए और बी, और मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ए और बी का, और का मतलब होता है यूनियन, मुझे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे सेट चैप्टर में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का फार्मूला बताया था, वो क्या था? बस आपको करना क्या है, एन की जगह पे पी लिखना है। फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर इवेंट ए और बी मेरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या? 5, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो हाँ जी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फार्मूला कहाँ तक रह जाएगा? सिर्फ यहाँ तक। मैंने साइड में लिख रखा है अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो फार्मूला सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फार्मूला ए यूनियन बी का फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ठीक, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए और का मतलब मैंने आपको बताया यूनियन है। ठीक है, अब उसने क्या देखे? ए एंड बी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको समझ आ जाना चाहिए। बी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सिर्फ फार्मूला कहाँ तक रहेगा? ये वाला फार्मूला। तो सिंपली आपको करना क्या है, ए और बी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, 3/5 प्लस में 1/5, तो क्या आ गया? 4/5। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ए और बी का आ गया मेरे पास 4/5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, और मुझे ये 4 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आइए एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, या आपको ए यूनियन बी बोल सकता है, यहाँ पे और बी लिख सकता है, ए और बी दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है दोस्तों, अब ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब क्या? दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 0 है, तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी। हाँ जी, दोनों को जस्ट ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 9/10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू क्या होता है, 1/4 होता है। जैसे मान लीजिए इवेंट ए है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है, 1/1 होता है। ठीक है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट क्या आ जाएगी, 1 - के प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट निकालने के लिए क्या कर दो, सिंपली 1 - के प्रोबेबिलिटी है केवल, के देखिए 4/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6/10। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट निकाल सकते हैं। सेम इसी कंसेप्ट को लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट क्या आ जाएगा, 1 - 5/10, तो 5/10 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए यूनियन बी नोट। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस सारे के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू करता है 1/1 होता है। हाँ जी, ए यूनियन बी नोट, इसको मैं 1 - के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। सेम प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने, कर दीजिए 1 - के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है मुझे। अभी मैं निकाल के हटाऊँ, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी क्या था, यहाँ दोनों को सम करना था, जस्ट क्या था वो, 4/10 प्लस में 5/10 यानी कि 9/10। इसकी वैल्यू 9/10 है, यहाँ पे रख देते हैं 9/10। तो क्वेश्चन को सोल्व किया तो क्या गया, 1/10। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1/10। इसको लिखने का तरीका है, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सारे का नोट। ठीक है, अब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1/1 होता है। ये ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 1 - के ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया तो मेरे पास 1/10 का आ गया राइट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मुझे दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे दे रखी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे पी दे रखी है, और मुझे इसी पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ जी, मुझे क्या दे रखा है, ए और बी के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं, बट वो डिपेंड होता है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं। अब यहाँ पे ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू जीरो है, तो जीरो है तो ये चीज़ खत्म, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हाँ जी, ए यूनियन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो। हाँ जी, क्या क्या चाहिए मुझे, ए यूनियन बी चाहिए, उसकी वैल्यू तो है मेरे पास, बट मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू नहीं पता, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की वैल्यू पता है। यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि मुझे पता है किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1/1 होता है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, कैसे निकालेंगे, 1 - 65/100, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 35/100। ठीक है, फार्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या देखा मुझे, 65/100। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आई, 35/100, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, पी, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। बस इसको इधर ला क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 100 एलसीएम, 65 में से 35 गया। हाँ जी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 0.30, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 30/100। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट सच दैट
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। हाँ जी, ए एंड बी क्या मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और ये एग्जॉस्टिव क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने बेसिक को प्रोबेबिलिटी करवाया था, तो मैंने आपको एग्जॉस्टिव इवेंट बताया था क्या होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए दो इवेंट मेरे पास, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है। अगर इन दोनों की यूनियन लेने पर मेरे पास क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों की यूनियन लेने पर क्या है, सैंपल स्पेस आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, यानी कि श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, हमेशा क्या होती है, वन होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हाँ जी, यानी कि मुझे एक बात पता चल गई, तो दोनों तरफ अगर मैं प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, वन, ठीक है दोस्तों। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या, वन है, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट पता चला, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, जिन दोनों की प्रोबेबिलिटी, मान लो दो इवेंट है मेरे पास ए और बी, अगर उनकी यूनियन लेने पर क्या आ जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी वन आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन आगे करते हैं। उसके बाद ये दोनों क्या इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है, हाँ जी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या, वन है, क्योंकि ये दोनों इवेंट क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, दो और एक तीन, थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय थ्री, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, वन बाय थ्री आ गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करना है, और मुझे गिवन क्या है, मुझे ये दो चीज़ें क्या गिवन है, ठीक है दोस्तों। जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन बटे दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, एक बटे दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, कैसे करेंगे, आप ऐसा कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या रख दीजिए, एक्स, जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो हाँ जी, इसमें एक्स वैल्यू रख देते हैं, तो क्या जाएगा, तीन बटे दो एक्स, ठीक है दोस्तों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे रख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ गया, एक बटे दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, तीन बटे दो एक्स, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीन बटे चार एक्स, ठीक है। तीनों की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास, तीन बटे दो एक्स, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, तीन बटे चार एक्स। अब ये इवेंट जो तीन इवेंट है, ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब ये मैं बता के हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, अगर तीनों इवेंट की मैं क्या लूँ, यूनियन लूँ, ए इवेंट, यूनियन बी इवेंट और यूनियन सी, इन तीनों की यूनियन लूँ, तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, सैंपल स्पेस की। अगर मैं दोनों तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है, वन होती है, तो डायरेक्टली ये चीज़ किसके बराबर आ गई, वन के बराबर आ गई, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आइए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ जी, जैसे दो इवेंट थे, जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो फार्मूला ये होता है। अब तीन इवेंट हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, ठीक है दोस्तों। वैल्यू रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स है, ये तीन बटे दो एक्स है, और ये तीन बटे चार एक्स है। हाँ जी, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे या प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी सी, ठीक है। तो क्या आ गया नीचे एलसीएम, चार आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, चार एक्स प्लस में छः एक्स प्लस में तीन एक्स, ठीक है, छः और तीन चार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या, तेरह बटे चार, तो और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या, वन है, ठीक है। तो
तो 13x बटे 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 4/13। ठीक है दोस्तों, और x को मैंने क्या मानना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मानना था। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी 4/13, तो ये क्या गया राइट आंसर। तो इस तरह आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।